नमस्ते, हार्दिक शुभकामना दुर्गा पूजा की आप लोग के भी और आप लोग के परिवार के भी। चलिए हम प्रसाद बनाते हैं बूंदी का। चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे बना रहे हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। चलिए आज मैं प्रसाद के लिए बुनिया बनाने चलती हूँ। देखिए बुनिया बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरा ले लेंगे। एक कटोरी में बेसन रख रही हूँ। बेसन को अच्छा से छान के मैली हूँ। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा मीठा। देखिए इतना सा हम सोडा मीठा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब पूजा के लिए हम बना रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। येलो कलर है तो आप येलो कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब इसी के साथ एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए चावल जो खाते हैं उसी चम्मच से एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे सब सामान को। अब मिक्स करके इसमें हम पानी डालेंगे। आज मैं ऐसा तरीका आप लोग को बता रही हूँ, परफेक्ट बुनिया बनेगा, सॉफ्ट और रस से भरा हुआ। अब इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं फेंट ली हूँ बेसन को। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, अब इसी में हम थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे भी अच्छा से फेंट लेंगे। देखिए इतना पर हमारा बैटर है। अब इसे तोप कर 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हमारा बेसन फूल जाएगा अच्छा से, तो अच्छा से बनेगा। अब इसे तोप के रख देंगे। हमारा बैटर फूल रहा है जब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए मैं उसी कचौरी से 1.5 कचौरी चीनी रखूँगी और इसे देखिए 1.5 कचौरी हमारा चीनी हो गया। अब इसी कचौरी से पानी भी डालेंगे। देखिए इसी कटोरी से हम पानी 1 कटोरी डालेंगे और 1 कटोरी में आधा और पानी डालेंगे। देखिए इतना। अब इसे गैस ऑन करके हम चाशनी बना लेंगे। अब हमारा चाशनी बन रहा है अच्छा से। हमारा चाशनी अब उबल रहा है, उसी में हम 2 चम्मच जितना दूध डाल देंगे। जो भी चीनी में गंदगी होगा वो फट के ऊपर आ जाएगा। छन्नी की मदद से हम ऊपर से निकाल लेंगे। हमें चाशनी बनाना है ना ही मोटा ना ही पतला, ना ही एक तर का ना ही दो तर का, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा उतना ही हमें बनाना है। देखिए जो भी गंदगी है वो डिक्ची में ओरिया आ गया है। अब छन्नी की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरा चाशनी साफ कर लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे 3-4 हरी इलायची मुँह खोल के, इस तरीके से मुँह खोल के डाल देंगे। जो इलायची का स्वाद है वो चाशनी में चला जाएगा। अब हम चाशनी चेक करेंगे। देखिए अभी नहीं हुआ है, 1-2 मिनट और लगेगा। अब चाशनी के हम चेक करेंगे दोबारा। देखिए इस तरीके से हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। हमारा चाशनी ठंडा हो रहा है तब तक हम तेल गरम कर लेंगे। तेल जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम बैटर को चेक कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम और पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डालेंगे, इतना ही डालना ही डालेंगे। अब इसे अच्छा से मिला लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है पूरा तरह से बूंदी बनने के लिए। चलिए फटाफट आप लोग को छान कर दिखाते हैं। देखिए अच्छा सा तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा से बूंदी ऊपर तैर रहा है। अब इसे हम निकाल देंगे और बूंदी छानेंगे। और देखिए इस तरह से छनावटा लेंगे और इसे इस तरह से फैला कर हम डालते जाएंगे। इतना ही पर हमें छनावटा रखना है, नहीं तो पूरा बूंदी चिपक जाएगा, आपस में सट जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। इतना छान कर निकाल लेंगे पहले।
देखिए अब हमारा ये रेडी हो गया है, अब इसे अलग निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से जो बैटर है उसे भी छान लेंगे। ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर खाने वाला कलर है, अब थोड़ा सा बेसन में मिला देंगे और इसे भी इसी तरीके से छान लेंगे। इस तरीके से इसे भी हम छान लेंगे थोड़ा थोड़ा गिरा कर। देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा से बूंदी बनकर रेडी हो गया है और कितना सॉफ्ट बना है देखिए। अब चलिए इसे चाशनी में डुबाते हैं। अब देखिए चाशनी में डाल देंगे, अब चाशनी में आधा पहले डालेंगे, जब आधा चाशनी पूरा सूख लेगा तो फिर आधा डालेंगे। अब इसे छनावटा से इस तरह से दबा देंगे ये चाशनी अंदर तक बूंदी के चला जाए। अब इसे 2 मिनट इसी में रहने देते हैं। अब देखिए देखिए किस तरह से बूंदी चाशनी सूख लिया है। अब इसे हम छान के अलग कर लेंगे और दूसरा बूंदी जो बचा है इसी में डालकर और उसे भी इसी तरह से छान लेंगे। लीजिए अब हमारा खिला खिला बूंदी बनकर रेडी हो गया है। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग भी ऐसे ही प्रसाद बनाइए और कुछ मीठा खाने के लिए भी मन करता होगा तो आप लोग बूंदी बना सकते हैं, दुर्गा पूजन में भी बना सकते हैं प्रसाद के लिए। बनाइए और